हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली ये वीडियो जो है प्लस वन नॉन मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए है, और जो डिप्लोमा कर रहे हैं इंजीनियरिंग का उनके लिए वीडियो है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये PSBT पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में दिसंबर 2011 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर में। तो आपको ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपने टिक करना है कि कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही जो है क्वेश्चन है आई से, ये आईटा जो है ये बताता है कि जो हमारा जो जो क्वेश्चन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमने ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट, ये हमें दी हुई है रकम 3 - 4 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई एक्स प्लस आयोटा वाई इजिकल टू 1। देन हमने एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे करेंगे, ये एक्स और ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अगर हम एक भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, गिवन 4 - 3y, ये हमें दिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको ये पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, ठीक है। और इसको ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले से तो ये बन जाएगा प्लस 3y आयोटा। ऐसे ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4x आयोटा, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको अगर सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये है माइनस और ये भी क्या है, ये बन जाएगा माइनस है, इसमें क्या लगा हुआ है साथ में माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4i को आयोटा से, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आयोटा स्केयर वाई इजिकल टू 1। इतना आपको पता चल गया होगा, मीन्स 4 को हमने सीधा मल्टीप्लाई किया, आई को आई से किया, आयोटा का स्केयर बन गया, इसको आयोटा बोलते हैं, और वाई ऐसे ही आ जाएगा। अब आयोटा का स्केयर जो होता है वो -1 होता है। बस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही फॉर्मूला ये सबसे ज़्यादा जो है वो देखना पड़ेगा, जो आयोटा स्केयर होता है वो -1 होता है। अब इसको अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा -4x आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्केयर क्या होगा माइनस, तो माइनस से अगर इसको हम ऐसे लिख भी देंगे -1, ठीक है, वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा -4x आयोटा प्लस 4y इजिकल टू 1। इतना आपको पता चल गया होगा। आगे बस हमने क्या करना है, अब हम रियल नंबर जिसके साथ आयोटा है वो अलग कर लेंगे, इसके साथ आयोटा नहीं है उसको रियल नंबर बोलते हैं, वो अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ नहीं है और इसके साथ नहीं है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास 3 + 4y एक बन जाता है, ठीक है। और देखिए इन दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा हम कॉमन निकाल लेंगे और ये बन जाएगा 3y - 4x इजिकल टू 1 बन जाएगा। अगर हम इसको अब कंपेयर करेंगे, अब ध्यान से देखिए क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयर, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी करता हूँ, रियल एंड इमेजिनरी नंबर करता हूँ, तो यहाँ से क्या रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं। तो रियल पार्ट कौन से होते हैं, जो जिसके साथ एक्स नहीं होता, तो इसके साथ भी एक्स नहीं है, इसके साथ भी एक्स, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो ये हमारा रियल पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अब देखिए ध्यान से, अब इसके साथ आयोटा है, यहाँ पर कुछ आयोटा नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आयोटा, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा से आयोटा कट जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 से, तो 3y - 4x इजिकल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, जो एक्स वाला है वो पहले लिखेंगे, ठीक है, और जो y वाला है वो बाद में लिखेंगे, x वाला माइनस का है, y वाला प्लस का है, इजिकल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे अब हमारी दो जो रकम है वो बन गई है, ऐसे दो इक्वेशन जिसको बोलते हैं वो बन गई है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने 10th में सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक्स को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, एक इजी वे क्या है, इस वाले 4 को, ये वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, ये बन जाएगा 12x, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 16y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा। इसको इससे करूंगा तो ये 12x, ठीक है, इसको इससे करूंगा ये आएगा 9y, 0 को 3 से करूंगा तो ये 0 ही आएगा। अब इसको मैं देखिए, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसका मतलब इसके साइन जो है आपने चेंज नहीं करने। चेंज क्यों नहीं करने, क्योंकि ये आपस में कट रहे हैं। तो इसको मैं कर दूंगा एडिंग, क्या कर दूंगा, एडिंग कर रहा हूँ। अगर एडिंग करूंगा तो साइन कुछ नहीं चेंज होंगे, इसका मतलब ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 4 के इक्वल। तो वाई क्या आ जाएगा 4, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 4, और वाई के साथ क्या है 25, तो 25 ऑलवेज नीचे आएगा। तो इससे देखिए 4/25, ठीक है, तो इसको हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा एक्स भी आ जाएगा। सर इतना करना पड़ेगा 2 में? नहीं आपको, अब देखिए वाई हमारा क्या है 4/25, तो देखिए ध्यान से 4/25 हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी वाई 4/25 नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है, हमारा यहाँ पे है। इसका मतलब एक पे ही है 4/25, एक पर ही है हमारा, इसका मतलब ये वाला ही हमारा आंसर है। एक्स आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप एक्स निकालोगे फिर भी आ जाएगा, बट यहाँ पर मैं एक्स नहीं निकाल रहा क्योंकि यहाँ पर एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो तो मैं ऐसे इसकी वैल्यू वहां पे पुट करूंगा, ठीक है, वो वाला मेथड छोड़ के और भी मेथड हैं जिससे मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं कैसे करूंगा, एक और मेथड है। मैं अब पहले मैंने एक्स को एलिमिनेट किया था, अब मैं वाई को भी एलिमिनेट करके फिर भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो एक बार कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, बट बेसिकली आपका यही आंसर है। क्या आंसर है, 3/, क्या है आपका 3/25, 4/2 ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 3/25 और 4/25 आपका जो सी है आंसर, सी आंसर आपका आ जाएगा। बट अगर आप सर देखना चाहते हो, मतलब हमने तो देखना है कि सर ये ठीक है कि गलत है, तो सी इज ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर, बट फिर भी आपको मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि यही आंसर है कि ये आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, क्या था हमारे पास 3x+4y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर था -4x, ठीक है, +3y इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे x चाहिए, क्या चाहिए मुझे, x की वैल्यू, ठीक है, वो कैसे करेंगे, मैं पुट नहीं करना चाहता, तो मैं सीधा इसको क्या करूँगा, ये वाला देखिए, इसको y को अब ख़त्म करना है, मैंने इसको ख़त्म करना है, तो इसके साथ जो है मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके साथ 3 है तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, इसको इससे किया तो ये बन जाएगा 9x, इसको इससे किया ये बन जाएगा 12y, इसको इससे किया तो ये बन जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे करूंगा तो ये बन जाएगा 16x, और इसको इससे करूंगा तो ये बन जाएगा 12y, ठीक है, इसको इससे करूंगा तो ये बन जाएगा 0। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का है ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये भी प्लस का है, ये 25x बन जाएगा इजिकल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स हमारा इजिली पता चल जाएगा, एक्स हमारा 3/25, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि मैं पहले ही बोल रहा था आपको, तो आपको 3/25 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये पहले ही बोला था आपको कि ऐसे ही आना, आप इसको वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर तो आपको दोनों करने हैं तो दोनों आप ये करके आ सकते हो, अगर आपका सीधा एक मैच हो ही रहा है कि आपको पता लग ही रहा है कि वाई और नहीं है कहीं भी, तो आप सीधा ही इसका आंसर सी पे टिक कर दोगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा।
तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। और इसकी जो PDF है psbdpaper.com और jksmartclasses.com पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।